हर माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी होती है और वे माता पिता बच्चों के विकास में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाते हैं जो अपने बच्चों की परवरिश एक मित्र, एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक बनकर करते हैं। और अगर इनकी आंखों के तारे इनकी आंखों से ओझल हो जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ख्याल से भी इनका मन घबराता है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। जिस तरह एक पौधा खाद, पानी और सूरज की पर्याप्त रोशनी पाकर एक स्वस्थ हरे भरे पेड़ में विकसित होता है, उसी प्रकार एक बच्चा ज्ञान के मंदिर अर्थात विद्यालय में आकर अपने शिक्षक गणों से शिक्षा प्राप्त करके जीवन के सारे कौशलों में पारंगत होता है। क्यों इस कदर हैरान, तो मौसम का है मेहमान तू, वो दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू, तू धूप है शमशे बिखर, तू है नदी ओके कमल, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, और हमारी यह परंपरा सदा से चली आ रही है जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में हमेशा से सहायक रही है। किस्मत जैसे रूठे उम्मीद भी टूटे, अब सारा आसमां है मेरा, खुलने दो बंद मुट्ठी कर देंगे सबकी छुट्टी, अब सारा आसमां है मेरा, कुछ ख्वाहिशें हैं जो पूरी तो होने दो, इन रंजिशों को बंदिशों को तोड़ दो, मारी छलांगे थोड़ी मस्ती करांगे, अब चल पड़ी मेरी जिंदगी के घुमाके, मारी छलांगे थोड़ी मस्ती करांगे, अब चल पड़ी लेकिन ये क्या, ये कैसा समय आया जिसने पिछले दो वर्षों में हमारी इस परंपरा को बदल कर रख दिया। कोरोना जैसी महामारी ने न केवल बाजार बल्कि विद्यालयों और विशेष रूप से बच्चों के आचरण को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। देरे रा, देरे रा 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 रा, देरे रा रा रा। अतः अब इन परिस्थितियों में हर माता पिता और शिक्षक को दोहरी जिम्मेदारी निभाना है।
तो आइए आज हम प्रण लेगी आप और हम कैसे भी परिस्थिति हो अपने बच्चों के चरित्र निर्माण और उज्जवल भविष्य के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। फलक तो गरज तो बरस तो